मिलान अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्या हाल है आप सबके आज हम आपके साथ पी पी एस सी पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे जो हम सबसे पहला पेपर आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है पी पी एस सी का जो ट्वेंटी सेवनटीन में लेक्चर कंप्यूटर साइंस के लिए पेपर आया था इसमें सबसे पहला एमसी क्यू था कि विच मॉड्यूल गिव्स द कंट्रोल ऑफ द सी पी यू टू प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म स्केजूलर आपके पास ऑप्शन थे डिस्पैचर इंटरप्ट स्केजुलर और नन ऑफ दिस तो आपके पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डिस्पैचर ऑप्शन ए देन क्वेश्चन नंबर टू में आपसे वो कह रहा था कि द प्रोसेस दैट आर रिजाइडिंग इन मेमरी फॉर एग्जीक्यूशन आर कैप्ट ऑन लिस्ट कॉल जॉब क्यू रेडी क्यू एग्जीक्यूशन क्यू और प्रोसेस क्यू तो यहां पे आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रेडी क्यू विच इज ऑप्शन बीटा यहां पे आपके पास आंसर आ जाएगा बी विच इज रेडी क्यू देन आपके जो क्वेश्चन नंबर थ्री था इसमें आपसे वो पूछता है कि द इंटरवल फॉर द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज एज वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम रिस्पांस टाइम और थ्रूपुट टाइम तो यहां पे आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी विच इज टर्न अराउंड टाइम देन क्वेश्चन नंबर थ्री फोर में आपसे वो कह रहा है कि विच स्केजिंग एल्गोरिदम एलोकेट सीपीयू फर्स्ट टू द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शॉर्टेस्ट जॉब स्केजुलिंग और प्रायोरिटी स्केजुलिंग और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस तो यहां पे आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा विच इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग क्वेश्चन नंबर फाइव में आपसे वो पूछता है कि इन प्रायोरिटी स्केजुलिंग एलगोरीदम प्रायोरिटी स्केजुलिंग एलगोरीदम में आपने बताना है कि क्या होता कि है कि सी पी यू इज़ एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद हाइस्ट प्रायोरिटी ऑप्शन बी है सी पी यू इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद लोएस्ट प्रायोरिटी ऑप्शन सी है इक्वल प्रायोरिटी प्रोसेस कैन नॉट बी स्केजुअल स्केजुअल्ड एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास एल्फा विच इज सी पी यू इज़ एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद हाइस्ट प्रायोरिटी ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपसे वो पूछता है कि इन प्रायोरिटी स्केजिंग एल्गोरिदम वेन प्रोसेस अराइव एट द रेडी क्यू इट्स प्रायोरिटी इज कंपेयर्ड विद द प्रायोरिटी ऑफ आपने बताना है कि उसकी प्रायोरिटी किसके साथ कंपेयर होती है तो आपके पास ऑप्शन रनिंग प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस और द इट प्रोसेस ठीक है तो आपके पास यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वह है आपके पास बीटा विच इज़ करंट रनिंग प्रोसेस मतलब जो करंटली रन प्रोसेस प्रोसेस रन कर रहा होता है आप उसके साथ ही इसकी करते हैं प्रायोरिटी को कंपेयर देन आप उसको क्या करते हैं एग्जीक्यूशन का प्रोसेस होना होता है एक क्वेश्चन नंबर सेवन में आपसे वो पूछता है कि जो टाइम क्वांटम है वो इज डिफाइंड है आपने बताना है कि टाइम क्वांटम की डेफिनेशन क्या है शॉर्टेस्ट जब स्कैजिंग अलग्रीदम है राउंड रॉबिन स्केजुलिंग अलग्रीदम है प्रायोरिटी स्केजुलिंग अलग्रिदम है या फिर मट्टी लेवल क्यू स्कैजुलिंग एलगुरी में तो यहां पे आपके पास जो करेक्ट आंसर था वो था बीटा विच इज राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एलगोरिदम क्वेश्चन नंबर एट में आपसे वो पूछता है कि इन मल्टी लेवल फीडबैक स्केजुलिंग एलगोरिदम क्या होता है कि आपने बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है ऑप्शन है अ प्रोसेस कैन मूव टू अ डिफरेंट क्लासिफाइड रेडी क्यू या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रेडी क्यू इज परमानेंट ऑप्शन सी है प्रोसेस आर नॉट क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा आपके पास एल्फा विच इज अ प्रोसेस कैन मूव टू अ डिफरेंट क्लासिफाइड रेडी क्यू क्वेश्चन नंबर नाइन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर नाइन में आपसे वो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्क्केजल्ड बाय द कर्नल तो आपने बताना है कि कर्नल जो है वो इनमें से किन चीजों का स्केजुअल नहीं कर सकता ऑप्शन ए है कर्नल लेवल थ्रेड ऑप्शन बी है यूजर लेवल थ्रेड ऑप्शन सी है प्रोसेस ऑप्शन डी है मैन ऑफ थीज तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा बीटा विच इज यूजर लेवल थ्रेड क्वेश्चन नंबर टेन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर टेन में आपसे वो पूछ रहा था पर्सन ऑफ अ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर इज कॉल्ड एक्सपर्ट इंटेलेक्चुअल स्नोब और लिटरेट तो आपको पता है उसको इंटेलेक्चुअल कहते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा बीटा विच इज इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन नंबर इलेवन में आपसे वो पूछ रहा है कि अ मेमोरी पेज कंटेनिंग अ हैवीली यूज्ड वेरिएबल दैट वाज इनिशियलाइज्ड वेरी अर्ली एंड इज इन कॉन्स्टेंट यूज इज रिमूव एंड देन द पेज रिप्लेसमेंट एलगोरिदम यूज इज तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एलगोरिदम है वो यूज होगा एल आर यू एल एफ यू एफ आई एफ ओ और नन ऑफ दिस तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा सी विच इज एफ आई एफ ओ ठीक है क्वेश्चन नंबर अगर ट्वेल्थ की बात करें तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ में आपसे पूछ रहा है यूजर्स आर डैश दैट दियर प्रोसेसिज आर रनिंग ऑन अ पेज सिस्टम

अफर रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम एसोसिएट्स विद ईच पेज द डैश ठीक है आपका ऑप्शन इट वॉज ब्रॉड इन टू मेमरी साइज ऑफ द पेज इन मेमरी पेज आफ्टर एंड बिफोर इट और ऑल ऑफ दिस तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा आपके पास एल्फा विच इज टाइम इट वॉज ब्रॉड इन टू मेमरी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में आपसे वो पूछता है कि ऑप्टीमल पेज रिप्लेसमेंट अलगुरिदम इज आपने बताना है इनमें से ऑप्टीमल पेज रिप्लेसमेंट अलगुरिदम के मतलब कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है सबसे पहली स्टेटमेंट है रिप्लेस द पेज दैट हैज नो बीन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम रिप्लेस द पेज दैट हैज बीन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम और नन ऑफ दिस तो यहां पर आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा सी विच इज रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में आपसे वो पूछता है कि ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इज डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इट रिक्वायर्स फ्यूचर नॉलेज ऑफ द रेफरेंस स्ट्रिंग और इट इज टू कम्प्लेक्स और इट इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव ठीक है तो यहां पे आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो, वो है बीटा विच इज इट रिक्वायर्स फ्यूचर नॉलेज ऑफ द रेफरेंस स्ट्रिंग इस वजह से आप इसकी जो क्या नाम है इसके इंप्लीमेंटेशन है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में आपसे वो पूछता है एल आर यू पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम एसोसिएट विद ईच पेज द डैश ठीक है आपने बताना है इनमें से कौन कौन सी चीजें करेक्ट ऑप्शन होंगे ऑप्शन है टाइम इट वॉज ब्रॉट इन टू द मेमोरी टाइम ऑफ दैट पेज लास्ट यूज पेज आफ्टर एंड बिफोर इट और ऑल ऑफ दिस तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाएगा आपका बीटा विच इज टाइम ऑफ दैट पेज लास्ट यूज ठीक है क्वेश्चन नंबर एटीन में आपसे वो पूछता है कि द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ ट्वेंटी आर्टिकल्स इज द सेम एज दी सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स कि आपके पास जो ट्वेंटी आर्टिकल्स अगर आप उनकी कॉस्ट प्राइस देखते हैं तो वो सेम है उतनी ही जितनी कि एक्स आर्टिकल्स की आपके पास सेलिंग प्राइस है तो दोनों में अगर आपके पास प्रॉफिट ट्वेंटी फाइव परसेंट है तो आपने बताना है कि वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाएगा ए बी विच इज़ सिक्सटीन ठीक है आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं अगर किसी को इश्यू आए तो वो नीचे कमेंट में पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में आपसे वो पूछता है सीपीयू यू फैचिज द इन्फॉर्मेश इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर स्टेटस रजिस्टर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाएगा अल्फा विच इज़ प्रोग्राम काउंटर तो प्रोग्राम काउंटर से आप उस इंफॉर्मेशन जो सी पी ओफ़ इन्फॉर्मेशन को फैच कर सकता है इंस्ट्रक्शंस को ठीक है देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में आपसे पूछता है अ मेमरी बफर यूज टू अकामोडेट अ स्पीड डिफेंशियल इज कॉल्ड स्लेक पॉइंटर कॉशे अकोमुलेटर और डिस्क बफर तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाएगा बीटा विच इज कौशे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में आपसे वो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू फिजिकल एड्रेस अब्सिड्यूट एड्रेस लॉजिकल एड्रेस और नन ऑफ दीज तो आपने बताना है कि सीपीयू इनमें से किस टाइप के एड्रेसेस को जनरेट करता है तो आपके पास वो आ जाएंगे लॉजिकल एड्रेसेस ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में आपसे वो पूछ रहा है कि रनिंग टाइम मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस इज डन बाय ए मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट सीपीयू पीसीआई और नन ऑफ दिस तो आपके पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाएगा अल्फा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे वो पूछता है कि मेन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच सिस्टम स्टोर्स एंड रिसीव्स डाटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज फॉर यूज़ इन मेन मेमोरी इस कार्ड फ्रेगमेंटेशन पेजिंग मैपिंग और नन ऑफ दिस ठीक है तो आपके पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका मैप पेजिंग ठीक है तो यहाँ पर पे पेजिंग जो है उसी को यूज़ करके वो क्या करता है कि ये टेक्निक यूज़ की जाती memory management की. है मेमरी मैनेजमेंट की ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में आपसे वो पूछता है द इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन इज पार्ट ऑफ द कंट्रोल लाइन लाइन एड्रेस और नन ऑफ तो आपके पास जो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा इज कंट्रोल लाइन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में आपसे उसने पूछा था कि हाँ चला गया जी ये आ गया द रिटर्न एड्रेस फ्रॉम द इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज स्टोर्ड ऑन द सिस्टम हीप प्रोसेस रजिस्टर प्रोसेस स्लैक और मेमरी तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी विच इज मेमरी स्लैक ठीक है तो यहाँ पे आपके पास आई होप सो यहाँ पे मेरे ख्याल में कुछ मिस्टेक है वो मैं इन आपको करेक्ट करके नीचे शेयर कर दूंगा कि यहाँ पे मेमोरी स्लैक है या प्रोसेसर स्लैक है ठीक है यहाँ पे आई होप सो मेरे ख्याल में प्रोसेसर स्लैक था यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव जो थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं आई होप सो आपको इन पूरे के पूरे क्वेश्चन में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अमेजिंग स्टाफ लाइक दिस ठीक है uh, जजाकला हाफिज़